आज हमने एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का कैंप लगाया है। ये हर साल हम लगाते हैं कैंप, और ये लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि रेबीज जो बीमारी है वो जानलेवा बीमारी है, एक बार होने के बाद मृत्यु निश्चित है, लेकिन इसका बचाव 100% संभव है। तो उस बचाव के लिए हम डॉग्स को और कैट्स को, जो भी पालतू जानवर हैं, उनको हम टीका लगवाते हैं। स्ट्रे को भी लगना चाहिए। इसके अलावा ये बीमारी और इसलिए खतरनाक हो जाती है कि ये इंसानों में भी होती है, और डॉग बाइट से होती है या कैट बाइट से, या जो भी जानवर इन्फेक्टेड है उससे। तो इसलिए इसका टीकाकरण होना बहुत आवश्यक है। और अभी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एक स्कीम है कि इसको 2030 तक पूरा उन्मूलन कर देंगे इस बीमारी का, तो चरणबद्ध तरीके से होगा। तो उसमें भी हमारा जो अजमेर है ये पहले चरण में सेलेक्ट हुआ है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले लोगों में कि इस बीमारी को हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है और क्योंकि जूनोटिक है। और कई बार ऐसा होता है कि जानवर केवल स्क्रैच लगाता है, ऐसा नहीं कि हर जानवर के काटने से या हर जानवर के स्क्रैच करने से होगी, लेकिन जिसमें रेबीज अंदर चल रही है अगर वो जानवर आपको स्क्रैच भी करता है, क्योंकि वो हाथ चाटता रहता है, स्क्रैच किया काटा, तो फिर ये बीमारी हो सकती है। इसलिए ये जागरूकता अति आवश्यक है। इंसान को किस तरीके से नुकसान हो सकता है? इंसान को यही होता है कि अगर रेबीज हो गई तो फिर उसकी जान ही जाएगी, जानलेवा बीमारी है, तो ये इसलिए खतरनाक है, इसलिए इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अभी तक कितने लोगों के लगा, कितने? अभी हम 15 के लगा चुके हैं। 15 डॉग्स ये 1 बजे तक चलेगा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 30 तक हो जाएंगे एनिमल्स। जो रह जाते हैं उनको क्या अस्पताल आने के लिए बोलोगे? बिल्कुल बिल्कुल, और हम ये रेगुलर लगाते रहते हैं कैंप। आज इस एरिया में लगा, कल किसी और एरिया में लगा, अभी हमारे पास रामगंज से लोग आ रहे हैं। तो जो जागरूक लोग हैं पेपर में पढ़ के, और वैसे भी डेली बेसिस पे भी ये जो हमारा बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है वहाँ पे भी ये जो टीका है फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। लेकिन कई बार होता है लोग नहीं आ पाते हैं, बुजुर्ग लोग हैं नहीं आ पाते, तो फिर उनके लिए हम कैंप लगाते हैं, और जहाँ है वहीं पर जाके लगाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नीरजा सांधु है, और मैं प्रभारी हूँ रेबीज नियंत्रण इकाई बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय अजमेर में।